हेलो जी, हेलो हेलो जी, क्या हाल चाल है जी आप सबका? बढ़िया हो? बढ़िया ही होने चाहिए जी, मैं भी बहुत मजे में हूँ। हाँ जी, मैं ना इडली मेकर मंगवाया सी, ठीक है, ते मैं सोचा फिर क्यों ना इडलियाँ बनाइया जाए, लेकिन सांभर नहीं बनावांगी, इडलियाँ नाल ही कुछ आपा मस्त मस्त तैयार कर दिया, ते मैं सोचा जी बना नहीं लगी हाँ तो क्यों नहीं आ जाऊँ बनाइए फिर इडलियाँ। चलो मेरे नाल किचन च, तुसी सारे चलो। हाँ जी, ये मैं अद्धा कप लिया जी पोहा, इन्हू मैं ग्राइंड कर देना है, ग्राइंड करके मैं तुहानू मिलदी हाँ। ये देखो जी मैंने पीस लिया, और अब ये मैंने डाल दी जी अद्धा कप की सूजी, और हुणे दे विच मैं एक कप पा देना है जी दही का, इनू कर देना जी आप चंगी तरह मिक्स 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 करता। इनू हूँ आप थोड़ी देर ढक के रख देना है, 15 मिनट बाद फिर इनू आप खोल दे। हाँ जी, ये लो जी, जिन्ना सूजी ने फुलना सी वह फुल गई। हुण आपां इहदे विच बरीक बरीक इह कड़ी पत्ता, ताज़ा कड़ी पत्ता मैं धो के ना थोड़ी हवा लगा के इहनू फ्रिज च नैपकिन च पा के रखता। थोड़ी जी रैड चिल्ली, ये थोड़ी जी दाल है चने दी जिहड़ी मैं 7-8 घंटे भिओ के रखी हुई है, ये इस तरह देखो टुट रही है आराम नाल, चने दी दाल पा दी, ठीक है। इहदे विच नमक पाता जी स्वाद अनुसार, जीरा डाल दिया, ठीक है, और हुण मैं इहदे विच पा देना जी पानी, ठीक है, इहनू आपां कर देना जी मिक्स। नमक मिर्च तुसीं इत्थे चैक कर लो किन्ना घट वध पाणा। लो जी, ये हो गया बैटर बन गया। इधर मैं देखो तुहानूं दिखानी हां, ये रखिया जी इडली वाला स्टैंड, पानी हो रहा जी गरम, और ये जड़ियाँ है ट्रे, ये छोटी स्नैक साइज इडली दी ट्रे नू मैं ऑयल लगा लिया, एक मैं भी रख ली, ये चो जो मटीरियल बचेगा तो मैं वड्डी च पा दांगी। ये हो गया जी मिक्स, मिर्च मैं ज़्यादा तेज नहीं पाई हैगी। लो जी, अब हमने करना है जी इसको, इसमें डाल देना है जी ये इनो का पाउच, ठीक है, और इसके ऊपर हमने डाल देना है जी, इसके ऊपर डाल देना है जी थोड़ा सा लेमन जूस। हाँ जी, ये लेमन जूस बारे भी कमेंट आते हैं, मैं एक्चुअली कैनेडा तो लेके आई सी, उतो ही लेके आई हुई हाँ, ये हूँ वैसे खत्म होने वाला है। ये हो गया जी मिक्स, इनू आपां इहदे विच कर देंगे जी हुण ट्रांसफर थोड़ा थोड़ा। बस इनू मैं फिल करके ना फिर तुहानू मिलदी हाँ। हाँ जी, ये 2 ट्रे हो गई जी फिल, इनू हुण मैं रख देना जी स्टीमर च। इनू हुण आप कर देंगे जी स्टीम, स्टीम करने तो बाद मैं तुहानू मिलदी हाँ। ये अब स्टीम हो रही है, जब ये स्टीम हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, गैस कर दिया मैंने बंद, ये 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको, 12 मिनट हो गए हैं। मैंने वैसे तो 8 से 10 मिनट में भी बन जाती हैं, लेकिन मैंने इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया, ये पहली बार मैं स्टीमर यूज़ कर रही हूँ, ये नया ही है, तो मैंने सोचा चलो ज़्यादा टाइम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुण ये थोड़ा जो नॉर्मल हो जाएगी है फिर इन्हों मैं इन्हों सांचे चो कट के फिर तुहानू मिलदी हाँ। हाँ जी, ये लो जी, ये मैं स्टैंड चो निकाल लिया, बड़ी अच्छी इडलियाँ बनिया है, बड़े वालिया भी और ये स्नैक साइज भी, ठीक है, लेकिन इन्हों अजे मैं यूज़ नहीं करा, इन्हों थोड़ा मैं ठंडा होने देना है, उस तो बाद मैं इन्हों यूज़ करा। पैन मैंने रख लिया, इसमें डाल दिया जी मैंने ऑयल, ऑयल डाल दिया, अब मैंने
ऑयल गर्म हो जाएगा ना जब, थोड़ी सी डाल देनी है जी मूंगफली, थोड़ी सी। इसको मैंने हल्का सा भून लेना है इसमें। जो रोस्टेड मूंगफली है फिर जरूरत नहीं है। ये हो गया इसमें दो चार काजू और दो चार बादाम, क्योंकि इनकी क्वांटिटी कम है ना इसलिए मैं कम ले रही हूँ सामान। बस इसको अब मैं निकाल लेती हूँ जी, ये हो गए हैं, इसको मैंने निकाल लेना है जी। ये इन्हें फ्राई कर ले, और हूँ मैं ये पा देनी है जी थोड़ी जी ये सरसों, हरी मिर्च, साथ में ही कड़ी पत्ता। बस इसको हल्का सा करना है, और इसमें डाल देनी है मैंने थोड़ी सी ये रेड, ये वो है कुटी हुई मिर्च, हल्का सा जीरा और नमक। नमक इडलियों में हमने डाला है लेकिन थोड़ा सा यहाँ जरूर डालेंगे, थोड़ा सा। और इसको कर देना है जी मिक्स, ठीक है। और इसमें एक पिंच हल्दी का, बस साथ में ये डाल देनी है जी स्नैक्स साइज वाली दो इडलियाँ। इनको कर देना है जी मिक्स। और ये है जी मेरे पास सियोगी, और ये है जी ड्राई फ्रूट, सारा डाल दिया। और अब हमने नींबू का रस, नींबू का रस डाला, और हल्की सी मैं डाल रही हूँ जी शुगर फ्री, हल्की सी खट्टी मीठी और चटपटी, ये ऐसे बनानी है मैंने। इन्हों ना तुम बच्चों टिफिन च नहीं दे सकते हो। बस ये लो जी, ये बन के हो गई हैं तैयार। जेड़ी चीज़ तुहाडे बच्चे नहीं खाते उन्होंने तुम ना यूज़ करो ये। मैं तो ना इसको लंच में भी खा लेती हूँ। ये देखो बहुत टेस्टी बनती है, तो सॉस पा के बच्चे खा लेंगे है, बहुत मज़ेदार बन दी है। इनिया करारियाँ, खट्टिया, मिठिया और तिखिया। नमक मिर्च अपने हिसाब किताब का पा लो, ठीक है। स्नैक साइज जी इडली है वो स्नैक तैयार हो जाती है। खाओ मजे करो, मैं तो मजे करने लगी हूँ, झूले पे बैठ के खाऊंगी। हाँ जी, बहुत वधिया दिन निकल गया। सवेरे फ्राइड इडली खाधी और शाम को इडली की चाट खा ली। मैंने बच्चों को बताया, वो हंसने लगे, कहते मम्मी आज सारा दिन आप इडलियों पे ही रहे। मैंने कहा हाँ भाई, इस तरह आया शामी मेरी एक फ्रेंड ने आना सी, ते मैं सोचा इन्नी गर्मी है गर्म चीज़ खाण नू दिल नहीं करता, ते मैं इडलियां दी चाट बना ली जिवें आपां भल्लियां दी चाट बनाई दी है। ते मैं हुण एक क्लिप तुहानू दिखावांगी, ते तुसी मैनू देख के दस्सिओ तुसी इस तरह बनाने हो इडली चाट। अगर नहीं बनाते तो बना के देखना, पक्का बना के देखना, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। ते तुसी देखो ये वाली क्लिप, ते फिर मैं मिलती हूँ तुहानू। हाँ जी, ये देखो ये जो बड़ी वाली इडली है ना, उसका मैंने बनानी है चाट। ये इडली लेनी है, इसको मैंने यहाँ से ऐसे काट लेना है। देखो जड़िया मैं इडलियाँ बनाई हैं ना, ये तुसी सिंपल सूजी दियाँ भी बना सकते हो। मैं विच थोड़ी जी पोहा भी पाता, बेशक पोहा ना पाओ उस तो बिना भी ये मज़ेदार बनती हैं। और जड़ी मैं चने की दाल पाई है तो वैसे ही क्रंचली पाई है, मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। और ये हमने लिया इसको काट, ये जैसे मर्जी सजा लो, सजाओ तुसी अपनी मर्जी के मुताबिक। लो ये लिया मैंने दही, इसको अच्छी तरह कर लिया बीट। इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी शुगर फ्री, आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो। ये डाल देनी है हमने इसके ऊपर, भर के डालो, दिल खोल के डालो दही। ये हो गया। अब हमने इसके ऊपर डाल देनी है जी अपनी हल्का सा नमक, हल्का सा, और ये डाल देनी है हमने अपनी हरी चटनी, ये जो नॉर्मल अपनी हरी चटनी होती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो हमने डाल देना है जी अपना ये खट्टी मीठी चटनी, इमली वाली,
ये हमने डाल देना है जी ड्राई फ्रूट, आगे पीछे कुछ भी डाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनार के दाने भी डाल सकते हो, मैंने ये टूटी फ्रूटी डाल दी, ठीक है, और थोड़ी सी और ये डाल दूंगी मैं चटनी, ये हो गया, बाकी के ये मैंने काजू डाल दिए, ये थोड़े सी मैंने किशमिश डाल दी, ये थोड़ी सी मैंने खजूरें डाल दी काट के, देखो जो मर्जी पाओ सजाओ अपने हिसाब नाल अपने घर के हिसाब नाल, ठीक है ना, जो तुसी खांदे हो, बस ये हो गया, इहदे उत्ते हल्का जिहा ये मिर्च कर दो और ये धनिया सॉरी जीरा, ये जीरा कर दिया, भुना हुआ जीरा कुटा हुआ हाँ ये लो जी, और इसके ऊपर ये है जी जो सेवियाँ होती हैं, ये ना मुझे मोटी मिली हैं, बारीक नहीं मिली, वैसे तो मुझे ये उनकी मिली हैं वो जो होते हैं बीकानेर वालों की, लेकिन हल्दीराम की, ये हल्दीराम की हैं, लेकिन ये मुझे मोटी मिल गई, बारीक सेवियाँ भी डाल सकते हो, ये लो जी भर भर के डालो, चटनियाँ वटनियाँ जैसे मर्जी डालो, खाओ मज़े करो, और ये ठंडा ही होता है, ठंडी जो है ना जैसे मैंने आपको बोला था ना इसको मैं थोड़ा ठंडा करूँगी, ठंडा इसीलिए करूँगी क्योंकि गरम गरम इडलियाँ हैं ना जो भी मज़ा नहीं आता, गरम इडलियों में ठंडा दही डालेंगे क्या फ़ायदा, ठीक है जी। लो जी ये हमारी चाट बन के होगी तैयार, जे मैं कुछ भूल गई होगा ना तुम वो भी पा लो, तुझे ओहो आंटी आपने ये नहीं डाला, भाई भूल जाता कई बार बंदा, ठीक है ना, तो तुम वो पा सकते हो। लो जी साड़ी चाट बन के होगी तैयार, साड़ी नहीं मेरा मतलब इडलियां दी चाट, करो मजे। हाँ जी देख लीजिए इडली चाट, मजा आया तो बना के भी देखो, अगर बनाते हो तो कमेंट्स में बताओ कि आप भी बनाते हो, अगर नहीं बनाते तो बना के देखो और याद करोगे आंटी को बहुत टेस्टी बनती है। चलो जी हुण इस वीडियो का इत्थे एंड कर दिया, मिलदी हां जी अपनी अगली वीडियो च, तब तक इतने ही सारे प्यार के साथ मेरी तरफ से, बाय बाय।